लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुबारक हो राज, आज तुम इस अंपायर के मालिक बन गए, मीनाक्षी इंडस्ट्रीज के मालिक, सब मेरी बदौलत। सही कहा तुमने, लेकिन तुमने इतनी अच्छी दवा लाई कहां से? अरे यार, तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? है ठीक कहा तुमने। पापा। हाँ बेटा। सॉरी राज, मैं यार, मैं भाभी जी को बचा नहीं सका यार। मैंने तो तुमसे बहुत उम्मीद की, तुम्हारे भरोसे छोड़ कर गया था मैं, ये सब क्या हो गया? तेरे भरोसे छोड़ के गया। मैंने बहुत कोशिश करी यार, बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं भाभी जी को बचा नहीं सका। क्या करूं? याद है ना, तुमने मुझसे 25 करोड़ रुपए देने का वादा किया था इस काम के बदले। हाँ, वाकई तू बहुत बड़ा कमीना है, मैं जानता नहीं था तू इतना बड़ा लालची है। 25 करोड़ कभी सपने में भी तेरे बाप ने देखा है आराम को? कितना बड़ा कमीना है तू। मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, ये तो मेरे पड़ोसी भी जानते हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे 25 करोड़ रुपए नहीं दिए ना, तो जिस कैप्सूल से मैंने तुम्हारी बीवी को मारा था ना, एक कैप्सूल है और मेरे पास, वो कैप्सूल मैं तुम्हें खिलाकर समझ लूंगा कि मेरे 25 करोड़ रुपए टूट गए। मेरी रूह को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं रात से बदला ना ले लूं। मुझे शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुझे शांति। मैं तेरी कसम खा के कहता हूं मीनाक्षी, तेरी आत्मा को मुक्ति मैं दिलाऊंगा, मैं लूंगा बदला। ए, कौन हो तुम? How dare you? क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहे? क्यों मार रहे हो मुझे? यशवंत? यशवंत नहीं, कैप्टन सुरजीत हराम ज़ादे। मीनाक्षी मेरी बीवी थी, कुत्ते! तूने क्या सोचा? उसको मार के तू इस शहर में आराम से घूमेगा? मीनाक्षी मेरी बीवी थी। काबिल नहीं है, मैं मानता हूँ कैप्टन, मैंने कत्ल किया है, मैं कातिल हूँ, लेकिन मुझे मारने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो कैप्टन, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं ऐसा नहीं था कैप्टन, मैं ऐसा नहीं था। मुझे ये समाज, ये दुनिया बहुत जालिम है, इसने मुझे ऐसा बनाया, मुझे ऐसा इसी ने बनाया। मैंने बचपन से क्या देखा? जब बड़ा हुआ मैंने गरीबी, गुर्बत और क्या देखा, चारों तरफ दौलत की कमी थी। मैं जब से होश संभाला मैंने क्या देखा? मेरा बाप जो शराब पीकर मेरी माँ को मारता था, और मेरी माँ को मारते मारते खुद मर गया, और मेरी माँ अपना जिस्म बेच कर कैप्टन मेरा पेट भरती रही कैप्टन। मैं ऐसा नहीं था कैप्टन। और ऐसी ही बदहाली में मेरी जिंदगी में जेनी आ गई, जो एक खुशी बनकर मेरी जिंदगी में आई। मैं उसे सब कुछ देना चाहता था, कैप्टन। मैं चाहता था उसके दामन को दौलत से भर दूं, खुशियों से उसका जीवन भर दूंगा, लेकिन मैंने गलत रास्ता अपनाया कैप्टन।
गलत रास्ता अपनाया, लेकिन ये रास्ता किस लिए अपनाया? ये रास्ता किस लिए? मोहब्बत के लिए कैप्टन, मोहब्बत के लिए, सिर्फ जेनी की मोहब्बत के लिए। मैं दौलत, मैं दौलत, मैं दौलत, मैं दौलत, मैं पागल हो गया था। मैंने मीनाक्षी की हत्या कर दी कैप्टन। मैं ऐसा नहीं था। प्लीज, तुम भी तो मीनाक्षी से कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। क्या तुम उसका दुख देख सकते थे? नहीं ना। हराम सादे, अब तो मुझे ये बताएगा कि तूने वंदना से शादी क्यों की? मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे पास कोई चारा नहीं था कैप्टन। मीनाक्षी की जिंदगी में मेरे आने से पहले ही मीनाक्षी ने अपनी सारी दौलत वंदना के नाम कर दी थी और वसीयत में उसको ट्रस्टी बना दिया था कैप्टन। मैं क्या करता, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने वंदना से शादी कर ली और फिर एक दिन जरूरी कागजात पे साइन कराने के बहाने मैंने पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करा लिया और फिर सारी दौलत मेरी हो गई। हाँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ कैप्टन, बहुत कमीना हूँ। मुझे एक मौका दे प्लीज। मैं वादा करता हूँ कैप्टन, वादा करता हूँ, मैं सारी दौलत, संपत्ति सब तुम्हारे और अर्पिता के नाम कर दूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज, एक मौका। इस एक मौका देने में कोई बुराई नहीं, और वैसे भी मैंने इसकी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड कर ली हैं। हमारे पास काफी सबूत हैं इसके खिलाफ। तू इतना बड़ा कमीना है कि तुझे माफ तो नहीं करना चाहिए। मेरी लेडी ऑफिसर, इसके कहने पर मैं तुझे एक मौका और देता हूं। सिर्फ 24 घंटे हैं तेरे पास, उसके बाद चलिए ऑफिसर। बहुत Kill those bastards. Yes, boss. Right now. Okay, boss. Right now. Okay. Kill them. No. No. I am the only boss of this Meenakshi Industries. मुझे कोई नहीं हरा सकता। Meenakshi Industries, मैं ही बॉस। I am the boss. Excuse me. क्या वक्त हुआ है? 10:45 यही है तुम्हारी मौत का वक्त। सर, सर क्या हुआ? सर यशवंत, सर क्या हुआ? ओह शिट, ही इज ब्लीडिंग। ओह शिट, सर कौन था वो? सर कौन था? ओह शिट, आई शुड टेक हिम टू द हॉस्पिटल। ठीक तो हो जाएंगे ना? ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, होश जब तक नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? डोंट वरी बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
ये तेरा कैसा अन्याय है प्रभु, और कितने अत्याचार करेगा मुझ पे। मैंने जीते जी कभी अपने आस्था और विश्वास में कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन तूने क्या किया, मुझ पे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरी बच्ची को अनाथ बना दिया, और अब जब मुझे न्याय मिलने वाला था तो ये किया है तूने, ये ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ। आज मुझे जवाब चाहिए, आज तुझे अपने अस्तित्व का एहसास दिलाना होगा मुझे, आज तुझे ये बताना पड़ेगा कि तू सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, तेरा भी एक अस्तित्व है। आज तुझे वो चमत्कार करना पड़ेगा जिससे तेरा वजूद कायम रहे इस दुनिया में, वरना कौन विश्वास करेगा तेरे वजूद पे, कौन जाएगा तेरे दर पे, कौन जाएगा मंदिर या मस्जिद या चर्च और गुरुद्वारे में, कौन जाएगा प्रभु। आज मेरी ये जिद है कि तुझे इनके प्राण लौटाने होंगे, दे मुझे वो शक्ति जिससे मैं इन्हें वापस ला सकूं और उस पापी को सजा दिला सकूं, वरना आज मैं तेरी हर शक्ति को ललकारती हूं। आज इम्तिहान किसी भक्त को नहीं तुझे देना है, और ये मेरे रूह की आवाज है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शरीर असमर्थ हो गया है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। गुरुओं के निमित्त से आज मुझे जो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, वो दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करने जा रही है, ताकि तुम अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला बड़ी आसानी से ले सको। कोई भी नहीं है। अरे फ्री लाइट। हाँ ये लाइट, ये पर्दा क्यों खोलता जा रहा है, ये तो मैं बंद करके आई थी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी।